जैसे ही आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं तो आपके पास जो स्क्रीन अपीयर होती है उसको कहते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिक्चर्स लगा सकते हैं, जैसे आप वॉलपेपर या डेस्कटॉप बैकग्राउंड भी कह सकते हैं। डेस्कटॉप के लेफ्ट साइड पे हमारे पास डेस्कटॉप आइकन्स होते हैं। आप इन आइकन्स को मूव भी कर सकते हैं, इस तरह इनको सेलेक्ट करके आप इस तरह इनको मूव भी कर सकते हैं। नीचे हमारे पास बॉटम में एक बार होती है जिसे टास्क बार कहा जाता है। टास्क बार के राइट साइड पे एक्शन सेंटर होता है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी यहाँ पे नोटिफिकेशन सारे हमारे शो होंगे। एक्शन सेंटर के साथ इसको सिस्टम ट्रे कहा जाता है। सिस्टम ट्रे में डेट एंड टाइम, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कैलेंडर शो होगा और यहाँ से हम मंथ भी चेंज कर सकते हैं इन एरोज पे क्लिक करके। यहाँ पे हमारे पास डेट लिखी होती है और इसके टॉप पे टाइम हमारे पास शो होता है। डेट एंड टाइम के साथ इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना कीबोर्ड चेंज कर सकते हैं। आपने अगर उर्दू कीबोर्ड करना है या अगर आप इंग्लिश कीबोर्ड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। स्पीकर आइकन, यहाँ से आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप का वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। ये इंटरनेट एक्सेस को शो करता है। बैटरी, बैटरी परसेंटेज यहाँ पे शो होती है। और ये हमारे पास यहाँ पे हिडन आइकन्स होते हैं। टास्क बार के लेफ्ट साइड पे हमारे पास स्टार्ट मेन्यू होता है। इसमें वो सारी एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल हुए होते हैं। वो सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज होते हैं। सर्च बार, सर्च बार में अगर आप कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर आपको सर्च करना है, आपको कोई खोलना है, तो आप यहाँ पे सिंपली उसका नेम टाइप करें और आप इजीली यहाँ से उसको सर्च करके डायरेक्ट खोल सकते हैं। टास्क व्यू, जो आप विंडोज़ करेंटली आप यूज़ कर रहे होंगे वो आपको टास्क व्यू में सारी की सारी यहाँ पे शो होंगी। टास्क व्यू के राइट साइड पे ये हमारे पास एप्लीकेशन आइकन्स होते हैं। आप किसी एप्लीकेशन को ओपन भी कर सकते हैं टास्क बार पे, तो वो आपको यहाँ पे शो होगी। जैसे मैंने इस वक्त फाइल एक्सप्लोरर को यहाँ पे पिन किया हुआ, और आप जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होंगे वो भी आपको यहाँ पे टास्क बार पे शो होगी। ये थे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज 10।